महाराज हिमांचल बड़े खुशी भए, चलो घर में कन्या का जन्म हुआ है। और कन्या लक्ष्मी का स्वरूप हुआ करती है। महाराज हिमांचल बड़े प्रसन्न है, लेकिन उसी वक्त देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। जब नारद को देखा है तो महाराज हिमांचल कहने लगे, आओ महात्मा जी, अच्छे समय पर आए हो, बेटी का जन्म हुआ है। हमारी बेटी की दिन दशा आप बता सकते हैं? देव ऋषि नारद के लगे, क्यों नहीं बता सकते हैं? कहां है तुम्हारी कन्या, लेके आओ। महाराज हिमांचल कन्या को लेके आए। देव ऋषि नारद कन्या की हस्तरेखा देखने लगे, और जैसी कन्या की हस्तरेखा देखी है तो मन ही मन में नारद मुस्कराने लगे। मुस्कराए काएको, गिरिराज भक्त, ये तेरी कन्या साधारण कन्या नहीं है, तू तो बड़ा भाग्यवान है, भाग्यशाली है, तेरे घर में देवी ने जन्म लिया। क्या? हाँ, नारद बोले, गिरिराज भक्त, तेरी कन्या नहीं भवानी है। नारद बोले, गिरिराज भक्त, तेरी कन्या नहीं भवानी है। खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की धारण करने नहीं। अरे ये भवानी है, दुर्गा है। लेकिन एक बात और बताओ महाराज, इसका घर भर कैसा हो? देव ऋषि नारद के लगे, सब बढ़िया है, लेकिन और जहां पर किसी बात के बाद में अगर लेकिन शब्द लग जाए तो बात का वजूद खत्म हो जाता है। बोले ही नारद, सब बढ़िया है, लेकिन इसका जो पति होगा योगी होगा, फक्कड़ होगा, जटाधारी होगा, और ये सभी गुण भगवान भोले बाबा में विद्यमान है। लेकिन एक बात और हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर ये तुम्हारी कन्या कुछ समय तक भगवान का भजन करे, वन में जाके तपस्या करे, तो शंकर जी में जो अवगुण है वो अवगुण गुणों में नजर आए, और इसका नाम उमा अंबिका भवानी गिरजा है। अब नारद तो चले गए, गिरजा नाम की जो लड़की थी वो धीरे 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 बड़ी होने लगी। और जब कुछ समझदार हुई है गिरजा, तो अपनी मां से कहा, मां अब हमें आज्ञा दो, हम वन में भजन करने के लिए जा रहे।
मां घबरा गई, बेटा हम तुम्हें इस अवस्था में वन में भेजेंगे? ना 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 बेटी, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं भेज सकते। तुम्हें अगर भजन करना है, भक्ति करनी है, घर में ही करो, तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे, गिर जा। महाराज हिमांचल ने सुन लिया तो महाराज हिमांचल कहने लगे, मैं ना भक्त और भगवान के बीच में तुम दीवार काय को बन रही है? अगर गिरजा भगवान का भजन करने जा रही है तो जाने दो। और नारद ने तो बहुत पहले ही हमसे कहा था कि ये गिरजा वन में भजन करने जाएगी। आज्ञा मिली, गिरजा वन में भजन करने के लिए चली गई। आसन लगा के गिरजा बैठ गई, भगवान भोले बाबा के नाम की तपस्या करने लगी। ऐसा ही नहीं भाइयों, कहने का मतलब है बरसे से बीत गई, तप में और भूली सब ही ध्यान, रेशम कर को रही है मनाई। इच्छा है चाहे हुई जीवन की बर्बादी, चाहे सब छूट जाए आजादी, बरसों तक तपस्या करती रही भगवान भोले बाबा के नाम। और गिरजा को जब काफी समय हो गया है, उसके बाद में गिरजा के पास में सप्तऋषि आए। इधर सप्तऋषियों ने जैसे ही देखा है कि गिरजा वन में तपस्या कर रही है, तो सप्तऋषि गिरजा के पास में आए, गिरजा से एक बात कही, गिरजा अरे तुम किनके नाम की माला जप रही हो? आंखें खोलो गिरजा,
बोले हैं सप्तऋषि, सप्तऋषियों ने क्या बोले गिर जा तप ज्वाला में और क्यों कोमल अंग जलाती हो और किस फल को इतनी व्याकुल हो और किन पे मन्नते मनाती हो। सप्तऋषि कहने लगे गिरजा केवल हमें ये बताओ किनके नाम की तुम माला जप रही हो, इतनी व्याकुल होकर धूप में अपने कोमल कोमल अंगों को जला रही हो। केवल ये बताओ तुम किसके नाम की माला जप रही हो, गिरजा कहने लगी तुम्हें क्या मतलब है, अरे हम किसी के नाम की माला जप रहे हो तुम्हें मतलब क्या है। सप्तऋषि बोले कि बता दीजिए, हम पूछना चाहते हैं किस देवता के नाम की माला जप रही हो तुम। गिरजा कहने लगी अगर तुम नहीं मान रहे हो तो हम बता रहे हैं कि हम किनके नाम की माला जप रहे हैं। और गिरजा ने सप्तऋषियों से कहा, क्या कहा, कि कोई ऐसा अनुरागी है क्या जिसने अनुराग गिन किया। गिरजा कहने लगे अगर पूछना चाहते हो
स्पष्ट और सच तो ये है। और जैसे भोले बाबा का नाम लिया है तो सब ऋषि हंसने लगे, कहने लगे लो भला बावरी हो गई हो, भोले बाबा को छोड़ के तुम्हें कोई देवता ही नहीं मिला। अरे क्या देख लिया भोले बाबा के पास में क्या रखा है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं, फक्कड़ नाथ हैं, न तो कहीं मड़ैया है न कहीं घर है। एक बात और बताएं क्या कि घर बार नहीं परिवार नहीं, बगाओ में मढ़िया को भी नहीं, जा देना सामान लगाए बैठे तेरी बात पूछैया। जवाब दो है न उनके घर है न परिवार है न घर है न कई बढ़िया है। गिरजा बोली ठीक है घर नहीं है तो झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, अगर घर होगा तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा पोछा भी करना पड़ेगा। जवाब दो उनका परिवार भी नहीं है, कोई सास ससुर जेठ कुछ नहीं है। जवाब दी और अच्छी बात है, मुंह खोल के फिरूंगी अगर सास ससुर होते तो घूंघट मारना पड़ता, वो बिल्कुल नंगे रहते हैं वस्त्र ही नहीं पहनते। जवाब दिया तो और अच्छी बात है, वस्त्र धोने नहीं पड़ेंगे। एक बात और सुनाओ, से कितना प्यार था लेकिन सती को तड़पा तड़पा के मार दिया, इसलिए किसी और देवता के नाम की माला जपो। गिरजा के आगे जा रहे हो कि नहीं जाओगे, तुमने पूछा मैंने बता दिया, अब ये निर्णय तो मुझे लेना है किसके नाम की माला जपनी है किसके नाम की नहीं जपनी है। सप्तऋषि वहां से चले गए। उसी वक्त एक तारक नाम का जो राक्षस था उसके आतंक से देवता बड़े दुखी थे। वो तारक देवताओं को बहुत सताता था, बहुत भयभीत करता था, देवता बड़े दुखी हुए। और देवता जब दुखी हुए तो सभी देवता भगवान विष्णुदेव के पास में गए, कहा प्रभो तारक राक्षस बहुत परेशान कर रहा है, केवल हमें ये बता दीजिए कि तारक को मारने वाला कौन होगा। तो भगवान विष्णु कहने लगे तारक को मारने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। क्या हाँ? तो इसका मतलब महाराज तारक क्या अमर है। जब आप दिए अमर नहीं है लेकिन तारक को मारेगा भोले बाबा का कुमार। और भोले बाबा भी समाधि में, पहले उनकी समाधि खुलवा ताकि बाद में ब्याह करवा, फिर कहो बच्चा पैदा होएगा। देवता कहने लगे महाराज तब तक देवता एक होने रहे हो,
तब तक कोई देवता नहीं रह सकता। लेकिन अब भगवान भोले बाबा की समाधि खुलवाए कौन? कामदेव खड़ा हो गया। वो कामदेव ने कहा कि देवताओं की भलाई के लिए अगर हमें अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़े तो हम अपने जीवन को कुर्बान कर देंगे, और हम जा रहे हैं भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए। अपनी पत्नी रति को साथ लिया। भोले बाबा जहां पर बीहड़ में शमशान में समाधि लगाए थे, काम ने वहां पर कितना सुंदर बगीचा खिला दिया है।